आयामत तक की आबाद रहेगी तो मतलब सरकार ने यूं कह दिया कि कयामत तक ये यहाँ से फकीर भी निकलते रहेंगे और फकीर भी आते रहेंगे बैठेगा और वो कोई भी जो है गाड़ी घोड़ा नहीं खरीदेगा और ऐसे ही रहेगा, कोई जमीन भी नहीं खरीदेगा। आज तक तो खरीदी गई है यहाँ पर, और ये अजीज वारसी जो पद्मश्री हुए हैं यहाँ से, जो हैदराबाद के पद्मश्री पहले जो है हिंदुस्तान के जो वारसी सिलसिले के पद्मश्री कोई हुआ है तो वो अजीज वारसी हैं जो यहाँ पर उनके मुर्शिद आराम बना रहे हैं। हाजी मकबूल शाह जिन्होंने 1907 में पैदा रख दिया, जिनके फकीर निखरे, जिनको वर्ल्ड जानती है, उनका नाम है अंबर शाह वारसी और दीगर फुकरा को अपने अपने इलाके में लोग जानते हैं, कुछ शहर लोग जानते हैं, मगर अंबर शाह को वर्ल्ड में सब जानते हैं और हर सिलसिले के कादरिया सिलसिले के और जितने भी खानकाहें हैं और जितने भी मंडप हैं, जितनी भी जो है सन्यासी, जितने भी और वो जो है हमारे संत लोग जहाँ जहाँ भी चाहे वो अयोध्या में हो सब जगह आते हैं, सबको मालूम भी है। और हमारे हुजूर ने आलमपना ने जो गए थे अजमेर से वहाँ फैजाबाद, तो फैजाबाद में जो है ना वहाँ के संत कुर्बान थे, आपको ले गए आलमपना को, फिर मासूम सिफत आलमपना की मासूम सिफत आप तशरीफ ले गए, आपने खले लगाया, वो अंदर से अपनी कुदाल उठा लाए, कहा हुजूर अगर यहाँ जो जगह आपको पसंद आती हो तो आप बताएं तो मैं उसको खोद डालू, क्योंकि एक संत थे वो उस वक्त के, आज भी जो उनके खानदान के संत लोग जो हैं अयोध्या जो हैं उनमें मौजूद हैं, जाके पूछ लीजिए उनके औलादे चल रही हैं, जो बहुत ही शरीफ लोग हैं, बहुत शरीफ संत, वो उनकी नस्ल चल रही है, वो सभी मामले में रहते भी नहीं। तो आपने क्या जवाब दिया, बाद ने क्या जवाब दिया, वाली साहब ने कहा संत जी संति में जब किसको खोदू और किसको बनाऊ, मुझे तो फर्क आ गया उसी का जब नजर आता, मामले को वही तय कर दिया, मामले को उसको वही तय कर दिया कि हम लोग संत हैं, ये सब दूसरे लोगों का काम है, हाथों पौधे पौधे बनाने का ये और लोगों का काम है पौधे पौधे बनाने का। और अब जो है ना हजरत कमाल शाह बाबा जो उनके दामाद हैं जो 1957 पे वो तशरीफ लाए गद्दी पर।